Subscribe, like and share Awam Ka TV and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी अदाकारा जो कि अपनी सादगी की वजह से बहुत मशहूर है, अपनी सादगी ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग की वजह से भी बहुत मशहूर है। वो अदाकारा कौन है जो इतनी सादा है, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाल ही में हिट होने वाले ड्रामे प्यार के सदके की हीरोइन यमुना जैद, उनकी बात कर रही हूँ मैं। जी हाँ, यमुना जैद ने हाल ही में एक ब्लैक ड्रेस में फोटोशूट करवाया जिसमें वो गजब की खूबसूरत लग रही हैं। शायकीन ने जब उनका ये फोटोशूट देखा तो वो पहचान ही ना सके कि क्या ये वही यमुना जैद हैं जो प्यार के सदके और दूसरे ड्रामों में इतनी सादा रहती हैं। यमुना जैद का ये लिबास उन पर बहुत जच रहा था और वो बहुत मॉडर्न लुक दे रही थी। इसके अलावा उनके और भी सोशल मीडिया पे फोटोशूट शाया हुए हैं जिनमें वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत लग रहे हैं। नाज़रीन, यमुना जैद उन अदाकाराओं में से हैं जिनमें बहुत ज्यादा शौकिया नहीं हैं, वो बहुत ज्यादा मगरूर नहीं हैं, सिर्फ अपने काम की तरफ तवज्जो देती हैं। यमुना जैद ने हाल ही में प्यार के सदके में एक्टिंग अच्छी करके अवाम को ये साबित कर दिया है कि अदाकारा का सिर्फ खूबसूरत होना ही जरूरी नहीं बल्कि एक्टिंग सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। यमुना जैद आहिस्ता आहिस्ता अपने लुक में चेंज ला रही हैं। यमुना जैद अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए और भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट साइन कर रही हैं और वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि अब मैं एक चालाक लड़की का भी रोल करूं ताकि मैं एक्टिंग का एक और पहलू भी जाहिर कर सकूं। इससे पहले यमुना जैद का एक ड्रामा डर सी जाती है सिला के लिए भी उनको हम टीवी का अवार्ड मिल चुका है। यमुना जैद पहले बहुत ज्यादा वेट गेन कर चुकी थी लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपना वेट भी कम करती जा रही हैं। उनका वेट कुछ इतना ज्यादा तो नहीं था लेकिन दूसरी एक्ट्रेसेस की बनिस्बत वो थोड़ी वेट में ज्यादा थी और थोड़ी सी बल्कि भी लगा करती थी, लेकिन अब उन्होंने अपना वेट बहुत ज्यादा कम कर लिया है और अब किसी फिल्मी हीरोइन से कम खूबसूरत नहीं लगती हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यमुना जैद का ये लुक आपको कैसा लगा। यमुना जैद आपको सादगी में अच्छी लगती है कि इतनी मॉडर्न लुक में? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बाकी वीडियो एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।